हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज है 27 नवंबर 2022, संडे का दिन है आज। और दोस्तों, आज हम चले हैं अपनी सिस्टर श्वेता के साथ हरिद्वार के लिए, जहाँ हमारे भाई और भाभी रहती हैं, हरिद्वार उत्तराखंड। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, देखना ये ब्लॉग कितना धमाकेदार होने वाला है। बस ये हमारी बाइक रेडी है और हम घर से बाहर आ चुके हैं, बस निकलने वाले हैं यहाँ से। ओके दोस्तों, दिखाते हैं इस ब्लॉग में कितना मस्ती करेंगे आज। और ये जर्नी स्टार्ट हमारी होंडा बाइक, ये अभी के लिए तो हमारी हायाबुसा है। दोस्तों, आपका प्यार बना रहा और अच्छी वीडियो चली तो एक दिन असली हायाबुसा भी हम ले ही लेंगे। और ये जर्नी दोस्तों, सफर में थोड़ा रुकना पड़ गया। ये हमारी सिस्टर की, श्वेता की डिमांड हो गई कि मेरे लिए कुछ कपड़े खरीदे जाएं, और हम इसके लिए थोड़ा जैकेट वगैरह कुछ कपड़े खरीद रहे हैं। जैसा कि आप लोग में देख पा रहे हो दोस्तों, देखना है कैसी लग रही है ये जैकेट। ये हमने श्वेता के लिए ली है भी ये जैकेट, और शॉपिंग लगभग कम्प्लीट हो चुकी है। ये गौरव चितकारा सर, इनकी शॉप पर हम हैं हसनापुर में। जब आपको भी कोई परचेज करना हो किसी तरह के भी क्लॉथ, मोर वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं शॉप के अंदर बहुत ज़्यादा आपको क्लॉथ्स मिलेंगे, वैरायटी मिलेगी। आप कभी भी आ सकते हैं परचेज करने, जो हसनापुर के आसपास हैं वो भी, और जो मेरठ के आसपास हैं वहाँ से भी आकर आप परचेज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, फाइनली हम हरिद्वार में पहुँच चुके हैं, जैसा कि अभी बताया था मैंने। और अभी दोस्तों, ये भाई के होटल पर हम पहुँच चुके हैं। हरिद्वार में होटल है, होटल फ्लोरा, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, होटल फ्लोरा भाई का होटल है। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं और भाई से मिलने वाले हैं, और भाई से मिलने के बाद अब हमारा थोड़ा लंच होगा। बहुत देर से, हमको भी बहुत तेज़ भूख लग रही है, और भाई भी हमारा बहुत वेट कर रहे थे तब से। बस अब भाई से मिलने वाले हैं, श्वेता और हम दोनों पहुंच चुके हैं। हेलो गाइस, रेस्टोरेंट एरिया में आ चुका हूँ मैं, फ्लोरा होटल हरिद्वार, भाई के होटल में। भाई मैनेजर हैं यहाँ, और ये इसका रेस्टोरेंट एरिया है। तो दोस्तों, अब बस खाना रेडी कर रहे हैं, खाने की तैयारी है, और मेरी सिस्टर श्वेता ने खाना स्टार्ट भी कर दिया है। और बस भूख लग रही है दोस्तों बहुत तेज से, बस खाना स्टार्ट कर रहे हैं। और आगे का व्लॉग में दिखाएंगे आपको, भाभी से मिलने जाएंगे इसके बाद घर पे, और उनके साथ कुछ शॉपिंग होगी भाभी के साथ में। ओके दोस्तों, सबके लिए बाय। दोस्तों, विंटर्स का समय, और देखो हमारी बहन ने डिमांड करी है आइसक्रीम की, आइसक्रीम की डिमांड करी है हमारी बहन ने। ये भी बहुत नोटी है, बहुत नोटी गर्ल है। दोस्तों, सर्दी के समय में आइसक्रीम कौन खाता है, लेकिन बहन ने डिमांड करी है आइसक्रीम की, तो आइसक्रीम लानी पड़ी हमें। सर, तो मजाक चल रहा है ये, मजाक चल रहा है कुछ, कभी स्वीट कभी आइसक्रीम मंगा रही हो, क्या ये मजाक चल रहा है, बोलते कि मजाक चल रहा है, आप खाना खा रहे हो या मजाक कर रहे हो, आज लंच के साथ मजाक कर रहे हो, मजाक चल रहा है। हेलो गाइस, अब हम चल दिए हैं भाभी से मिलने, भैया से मिल चुके थे, हमारे भैया हैं बड़े भैया, होटल के मैनेजर, और ये हमारी बहन श्वेता, श्वेता देखो सामने। अब हम चल दिए भाभी से मिलने, तो आगे के ब्लॉग में देखते हैं भाभी के साथ जाके पहुँचते हैं, भाभी का कैसे रिएक्शन होता है हमारे अचानक पहुँचने से। अचानक जा रहे हैं हम, हमने उनको बताया नहीं है कि हम आ रहे हैं। देखो, इनको मैंने बताया भी नहीं कि हाँ मैं और श्वेता आने वाले हैं, भाभी का रिएक्शन देखो। ये वीडियो में सामने आना भी नहीं चाह रहे। भाभी क्यों नहीं आना चाह रहे सामने? दोस्तों, ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है, भैया भाभी दोनों से मिल लिए हैं, हरिद्वार गए थे जैसा कि आपको बताया था वीडियो में। और दोस्तों, कमेंट करके बताना कि इस ब्लॉग में आपको कौन सा पार्ट सबसे बेहतर लगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।
से मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों देखना ब्लॉग कैसा लगा आपको और बताना कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्तों, बाय।